आप रवि पीछे कैंपेनिंग के लिए एक नए अंदाज में एक नए ढंग से कैंपेनिंग कर रहे हैं मैडम के लिए? जी हाँ, मैं मतलब क्या है कि जब फिक्स तरीके से कैंपेनिंग करते हैं तो लोग दूसरे सुबह मॉर्निंग में अपने असली मूड में होते हैं, तो उससे देश का मूड, शहर का मूड भी एहसास होता है। लोग अपने मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं तो उनको मिलकर उनसे लोगों की नब्ज़ पता लगती है। तो नब्ज़ तो ये है कि यहाँ पर मोदी जी की, जैसे कि पूरे देश में लहर है, किरण जी ने जो भी काम किया है उसकी वजह से उनको, मुझे लगता है कि दोबारा आना चाहिए। और बस यही रिक्वेस्ट करनी है, मेरा चेहरा थोड़ा सा पहचाना हुआ है, फिल्मों में काम किया है, और मैं खुद भी बिलीव करता हूँ कि जो भी काम चंडीगढ़ ने में किरण ने करवाए हैं और पूरे देश में मोदी जी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज़ ए गुड वे ऑफ मीटिंग। ऑफ कोर्स मैडम सर, वोट किसको दे रही हैं आप? सर बस जो मतलब सही लगे। कौन से? देखते हैं अभी तक पता नहीं लगा बाकी है। मोदी ही, वैसे तो मोदी ही है मेरा, और कौन है? मोदी को ही देंगे। वैसे अपने आप को ऐसे परेशान करने नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं ये मैं ले सकता। अच्छा, आप ले। सर आपने देश के माहौल की बात की, जो घटना दो दिन पहले हुई है सर कोलकाता में अमित शाह जी रोड शो पे, जिस तरह से टीएमसी वर्कर्स ने किया था, आपको लगता है माहौल कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश की है? पूरे देश में ऐसा माहौल नहीं है। पूरे देश में हमारे जो प्रजातंत्र है हमारा, वो बहुत वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। कोलकाता में जो हो रहा है वो बहुत ही अफसोसजनक है कि इस तरह से हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज़ में आमतौर पे ऐसा नहीं है कि एक रिस्पेक्टेबिलिटी से वोट नहीं हो सकता है, मगर जो हुआ वो दुखद है। और आई एम श्योर इलेक्शन कमीशन इसमें अपना अपना हस्तक्षेप करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ओके। रास्ता छोड़ दो आगे। नवीन।